Subjective sheet number 13, question number 1, parallel plate capacitor having plate area. तो आपको क्या given है? Area given है. Meter square में कर लेना. आपको इसके अंदर D given है, mm में, meter में कर लेना. Holds the charge of, आपको इसमें Q given है, coulomb में कर लेना. और V की value भी given है, 120 volt. तो आपको ये बताना है, dielectric constant क्या होगा? भाई जब आपको Q दिया, V दिया, तो यहाँ से क्या जाएगा? C आ जाएगा. C आपने निकाल लिया. जो भी C आप निकालोगे, K into epsilon not A by D के equal कर देना, K आ जाएगा. क्या ये पहला step clear है? तो पहला numerical कैसे करना है, कोई doubt इसमें? ठीक, ये पहला numerical है. Calculation आपने करनी है. मैं method discuss करता जाऊँगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द लेंथ ऑफ द पेपर यूज्ड इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस गिवन. तो एक ना कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है 2, तो इसमें डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू डाल दी 2.5. तो यहां से आपको क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है, क्या होगी पेपर यूज्ड. अब मेरे को यह पता है कैपेसिटेंस, मुझे पता है, ठीक है, कैपेसिटेंस की वैल्यू पता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी मुझे पता है. अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक काम करते हैं, कैपेसिटेंस से C इज इक्वल टू, अगर हम एरिया निकाल दें कैपेसिटेंस से, एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय D इनटू K, तो K टाइम्स, यहां पे क्या आएगा? K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय D. ये पता है, ये पता है, ये पता है, और D भी पता है. ठीक, तो यहां से एरिया आ जाएगा. एरिया होता क्या है? एरिया होता है लेंथ, है ना. एरिया ऑफ प्लेट क्या होता है? लेंथ इनटू क्या? थिकनेस नहीं होती, विड्थ होती है. एरिया लेंथ इनटू विड्थ, थिकनेस नहीं. आपको इसमें से क्या चाहिए? सिर्फ विड्थ, थिकनेस नहीं चाहिए. तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ. यहां से लेंथ कैन बी कैलकुलेटेड आंसर आएगा. तो पॉइंट समझ में आ रहा है, लॉजिक क्या लगेगा इसमें? इसमें थिकनेस की कोई जरूरत नहीं है. ये थिकनेस है, हाँ ऐसा कह सकते हैं, हाँ डी थिकनेस है. ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 26 मेटल स्ट्रिप्स. ईच एरिया गिवन है, माइका शीट है, डाइलेक्ट्रिक से यूनिफॉर्म थिकनेस गिवन है, फाइंड दी कैपेसिटेंस. 26 का क्या रूल है? वो कह रहा है कि इसमें 26 मेटल की स्ट्रिप्स हैं. तो जब 26 मेटल स्ट्रिप्स हैं, एक फॉर्मूला करवाया था, n माइनस 1 वाला फॉर्मूला हुआ था, याद है? तो हमने फॉर्मूला किया था कि अगर 26 प्लेट्स हैं तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला n माइनस 1 एप्सिलॉन नॉट a बाय d, और डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट d इसमें गिवन है. तो कैपेसिटेंस निकाल लेना आंसर, बस इसमें 26 माइनस 1 का कॉन्सेप्ट लगेगा, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो 26 नंबर ऑफ प्लेट्स को क्वेश्चन को कैसे करना है, समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी गिवन है, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ पेपर शीट्स ऑफ थिकनेस 0.04 mm एज अ डाइलेक्ट्रिक. Find how many circular metal foils of diameter given will have to be used. Take dielectric constant to be 4. तो क्या क्वेश्चन है? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी गिवन है, और इसको क्या बनाना है? पेपर टू बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ पेपर शीट्स ऑफ थिकनेस गिवन एज अ डाइलेक्ट्रिक. तो पेपर शीट इसमें डाइलेक्ट्रिक है जिसकी थिकनेस उसने आपको दे दी. वो ये कह रहा है हाउ मेनी सर्कुलर मेटल फॉइल्स ऑफ डायमीटर 0.1 meter हैज टू बी यूज्ड. तो मैं ऐसे कितने मेटल फॉइल्स यूज करूंगा जिसका डायमीटर 0.1 है, तो आपको नंबर बताना है इसमें क्या होगा. तो इस क्वेश्चन के अंदर पहला कॉन्सेप्ट यह है कि इसमें एन निकालना है, ऐसी कितनी प्लेट्स लगेंगी, क्योंकि एन का मतलब क्या है कि आपको नंबर ऑफ प्लेट्स बतानी है. तो कैपेसिटेंस का सेम फॉर्मूला यूज करना है, बस फर्क यह है कि कैपेसिटेंस गिवन है और एन आपको निकालना है आंसर. ठीक है यहां तक? तो बेसिकली फॉर्मूला वही लगेगा, सी का फॉर्मूला विल बी इक्वल टू एन माइनस 1 एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय डी और इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
के, आपको इसमें एन निकालना है और आपको इसमें एरिया की वैल्यू, डायमीटर, सर्कुलर फॉइल्स हैं तो सर्कुलर शीट्स हैं तो पाई आर स्क्वायर पुट करना है, डायमीटर आपको एक सर्कल का गिवन है, वहाँ से रेडियस आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर से एरिया आ जाएगा। तो हाउ मैनी ऐसी शीट्स पुट करने का मतलब आपको एन की वैल्यू इसमें कैलकुलेट करके बतानी है। तो क्या ये आइडिया क्लियर है यहाँ तक कि क्या निकालना है इसमें? नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन किया हुआ है शायद हमने, फिर भी, व्हेन अ स्लैब ऑफ इंसुलेटिंग मटीरियल 4 mm थिक इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट इज फाउंड दैट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स हैज टू बी इंक्रीज बाय 3.2 mm। मतलब कि जब मैंने कोई प्लेट नहीं डाली डाइलेक्ट्रिक की तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन नॉट ए बाय टी। जब मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी इंटू 1 - 1/k फॉर्मूला लग गया। कैपेसिटेंस की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने के बाद बढ़ जाती है, पर उसने क्या बोला कि डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स को मैंने बढ़ा दिया 3.2 mm से, ऐसे। तो मैंने डिस्टेंस को बढ़ाने से कैपेसिटी ओवरऑल कम हो गई, ताकि कैपेसिटेंस ने अपनी ओरिजिनल वैल्यू रीगेन कर ली। ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था हमने, कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम हो गई, डी बढ़ने से ओवरऑल कैपेसिटेंस घट गई और ओरिजिनल वैल्यू की इक्वल आ गई। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? आपको के निकालना है। आपको इस क्वेश्चन में स्लैब ऑफ इंसुलेटिंग मटीरियल, ये टी पता है, टी की वैल्यू पता है, ये टर्म कट जाएगी तो d की वैल्यू आ जाएगी d प्लस 3.2 इंटू 10^-2 माइनस टी, टी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 4 × 10^-3 इंटू 1 - 1/k। तो यहाँ से d से d भी कट जाएगा, k निकाल लेना, k की वैल्यू आ जाएगी। तो आइडिया समझ में आ रहा है, डायलेक्ट्रिक स्लैब डालते ही कैपेसिटी बढ़ गई पर हमने d को बढ़ा दिया ताकि कैपेसिटेंस अपने ओरिजिनल वैल्यू को रीगेन कर जाए। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 6, टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर 4 mm अपार्ट, तो स्मॉल डी गिवन है, स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 एंड थिकनेस 3 mm इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द फेस पैरेलल टू देम। तो मैंने इसमें डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया, अब वो कह रहे डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज सो एडजस्टेड दैट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बिकम्स 2/3 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, फाइंड द न्यू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते ही कैपेसिटी की वैल्यू चेंज हो गई, बढ़ गई, तो मेरे को डिस्टेंस को एडजस्ट करना पड़ा, क्योंकि जब मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाला तो द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज सो एडजस्टेड दैट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बिकम 2/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। मतलब ये देखो, बिना स्लैब के ये कैपेसिटी है, स्लैब के साथ कितनी कैपेसिटी है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी इंटू 1 - 1/k, डिस्टेंस एडजस्ट कर दिया तो डी की जगह क्या कर दिया, डी डैश कर दिया, ताकि जो नई कैपेसिटी आए वो 2/3 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू के इक्वल हो जाए। तो नई कैपेसिटी डी डैश के साथ आई, 2/3 ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटी आई, डी डैश निकाल लेना आंसर है। तो आइडिया समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे करना है? इसमें नई कैपेसिटी इज 2/3 ऑफ पुरानी कैपेसिटी, सिंपल है। तो नई कैपेसिटी का फॉर्मूला पता है, पुरानी कैपेसिटी का फॉर्मूला पता है, और पुरानी कैपेसिटी से आंसर 2/3 हो गया आंसर। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगेगा इसमें। नेक्स्ट 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर इज गिवन, तो D की वैल्यू तो गिवन है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E भी गिवन है, अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K एंड थिकनेस T इज इंसर्टेड इनटू द प्लेट्स, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट बिफोर एंड आफ्टर द स्लैब इज इंसर्टेड। ये पहले स्लैब नहीं डाली, इनके प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना था? D। इसकी कैपेसिटी कितनी थी? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको d से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स क्या है? d, ठीक, यही पॉइंट है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा? या तो ऐसे निकलेगा कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बता दूँ, क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है इसमें 300, तो
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस E डॉट डी आर, याद है फॉर्मूला किया था, और कैपेसिटर की डेरिवेशन के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट यूज किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड को डी से मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। पहला आंसर आ गया, ई पता है, डी पता है, मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। लेकिन वो कह रहा है कि अगर मैंने इसी में ये डिस्टेंस डी है, मैंने एक प्लेट डाल दी और टी थिकनेस की, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो ये होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी ई नॉट है, ठीक है, ई नॉट है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डिफरेंट है क्योंकि डायलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है, लास्ट टाइम हमने किया था ये डेरिवेशन के अंदर, तो डेरिवेशन के में भी किया था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये टी है, ये डी है, तो ये डिस्टेंस क्या बनेगा, डी माइनस टी, तो क्या बनाया था, ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई नेट, जो भी ई नेट होगा इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, टी से, जो भी अंदर नेट वैल्यू आएगी उसको टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। डायलैक्ट्रिक की डेरिवेशन भी तो की थी हमने कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालो विद डायलैक्ट्रिक, ऐसे ही किया था पोटेंशियल डिफरेंस। मेरे को ये तो 300 पता है, डी पता है, टी पता है, टी पता है, मुझे ई नेट नहीं पता, लेकिन मेरे को एक फॉर्मूला पता है, ई का फॉर्मूला क्या होता है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, ई नॉट डिवाइडेड बाय के, ये मुझे 300 पता है और के मुझे क्वेश्चन में पता है, तो यहां से ई नेट आ गया, ई नेट भी आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया आंसर। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं, यहां तक कैसे करना है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड 300 इंटू डी माइनस टी और प्लस ई नेट इंटू टी, कोई डाउट इसमें, तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलते हैं, कोई डाउट इसमें। सेवंथ क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 8, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ प्लेट सेपरेशन, फिर से आपको डी गिवन है, चार्ज बाय अ बैटरी, इट इज फाउंड दैट ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ माइका शीट टू 2 mm थिक, टी पता है, बैटरी इंटैक्ट का मतलब हटानी नहीं है, पोटेंशियल सेम रखना है, कैपेसिटर ड्रॉज 25% मोर एनर्जी फ्रॉम द बैटरी देन बिफोर, पहले कैपेसिटेंस थी कितनी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी थी, अब कैपेसिटेंस है कितनी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी इंटू वन माइनस वन बाई के है, ये लो, बैटरी तो हटा दी नहीं है तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली सेम है, तो पहले एनर्जी थी कितनी, हाफ सी वी स्क्वायर, अब एनर्जी कितनी है, हाफ सी डैश वी स्क्वायर, तो नई एनर्जी है, वो ये कह रहा है जो नई एनर्जी है दैट इज हाफ सी डैश वी स्क्वायर, वो 25% ज़्यादा है किससे, जो पुरानी एनर्जी थी, पुरानी क्या थी, इतनी एनर्जी थी, तो यानी कि नई एनर्जी 125% हो गई, मतलब 125/100 हो गई, तो नई एनर्जी इस 25% ज़्यादा, इतनी तो है ही है 25% ज़्यादा, तो ये इक्वेशन बन गई, वी स्क्वायर वी स्क्वायर वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, सी डैश और सी आपके पास है, यहाँ वैल्यू पुट करके निकालना जो निकालना आंसर, तो आइडिया समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्योंकि बैटरी तो सेम ही रखनी है, चाहे नई कैपेसिटेंस चाहे पुरानी कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की वैल्यू सी और सी डैश हम निकाल लेंगे, नई एनर्जी 25% ज़्यादा ऑफ पुरानी एनर्जी, इक्वेशन बन गई, सी और सी डैश पुट करके आंसर, कोई डाउट है इसमें, तो आइडिया समझ में आ रहा है कैसे करना है इसमें। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 9th, तो चलो सीरीज में, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर सीरीज और पैरेलल है, मींस ये भी सीरीज पैरेलल है, गेरा सेम है, कोई डायलेक्ट्रिक सेम, सीरीज पैरेलल है, कोई फर्क नहीं है इसमें।